रमादान में इफ्तार का मतलब होता है पूरे दिन का फास्ट रखना। सुबह मॉर्निंग में सनराइज होने से पहले खाकर दिन भर बिना पानी और खाने के फास्ट करना होता है, और जब सूरज नीचे जाता है तभी सभी फैमिलीज, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जमा होकर अपना फास्ट या रोजा खोलते हैं। ज्यादातर पूरे दिन भूखे रहने के वजह से इफ्तार में हम लोग ज्यादा खा लेते हैं, जो कि सही नहीं है। इस होली मंथ में हमें हमारे रिलीजियस ड्यूटीज के साथ साथ हेल्थ भी मेंटेन करना उतना ही जरूरी होता है, और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे हेल्दी टिप्स जो आपको इस रमादान में फिट और एनर्जेटिक रखेंगे। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक बैलेंस्ड इफ्तार बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये मील आपकी एनर्जी रेप्लेनिश करता है और रिस्टोर भी करता है, ताकि आप सस्टेन कर सके पूरा फास्ट अगले दिन भी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रमादान का महीना एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है जिसमें आप गुड ईटिंग हैबिट्स कल्टिवेट कर सकते हैं। हाइड्रेट बिफोर ईटिंग, बहुत ज्यादा पानी पिए या फिर फ्लूइड्स जैसे कि मिल्क या जूस, ये आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होने से प्रिवेंट करेगा और आपके बॉडी को एसेंशियल फ्लूइड्स देगा। वाटर रिमेन्स योर बेस्ट सोर्स ऑफ हाइड्रेशन। ड्रिंक 1 to 2 ग्लास ऑफ वाटर बिफोर योर मील एंड नॉट ड्यूरिंग योर मील टू अवॉइड डिलेइंग योर डाइजेशन प्रोसेस। एंड दूसरे जूसेस एंड ड्रिंक्स लेने में भी ध्यान रखें, बिकॉज रमादान के टाइम काफी सारे ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा शुगर भी होते हैं, जिससे आपकी कैलोरीज भी बढ़ सकती है। ब्रेक योर फास्ट विद डेट्स। ट्रेडिशनली डेट्स यानी कि खजूर को इफ्तार मील स्टार्ट करते वक्त खाते हैं, क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिशियस बर्स्ट ऑफ नेचुरल शुगर होता है जो आपके बॉडी को फ्यूल अप करता है। अगर आपको हेडेक्स होते हैं फास्टिंग आवर्स में, तो वो ज्यादातर लाइकली है कि लो ब्लड शुगर के वजह से हुआ है। तो याद रखिए कि कम से कम 2 खजूर से आप आपका इफ्तार स्टार्ट करें। Have a bowl of soup. सूप सबसे बेस्ट डिश होता है इफ्तार के वक्त, क्योंकि ये पूरे एनर्जी रिस्टोर और सस्टेन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है। Eat your greens. ज्यादातर लोग फास्ट ओपन करते समय नॉन वेज और जंकीज प्रिफर करते हैं, पर वेजिटेबल्स खाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर होता है जो आपको न्यूट्रिएंट्स और लिटिल कैलोरीज भी देता है। टेक इट इजी, अपना खाना खत्म करने की जल्दी मत करिए। जैसे कि पूरे दिन खाना ना खाने के वजह से फूड ओवरलोडिंग शायद आपको इनडाइजेशन और दूसरे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स दे सकता है, इसीलिए इफ्तार में रीजनेबल फूड प्रपोर्शंस खाइए। अपने फूड प्रपोर्शन की साइज को कंट्रोल करना की होता है हेल्दी और वेट गेन से रोकने के लिए। और कहा जाता है कि रमादान ऐसा होली मंथ है जहां आप चाहे तो अपने आप को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, अगर आप बराबर से सारे रूल्स फॉलो करेंगे तो। तो दोस्तों, अगर इफ्तार से जुड़ी और रमादान से जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।